गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जो बार बार मॉर्निंग असेंबली में रिसर्च पेपर्स जो साझा कर रहा हूँ, ओपन डिबेट दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी सेंड कर रहा हूँ मैं कि अब ये को शोधार्थी इस तरह किसी बिंदु पर या किसी कथन पर यदि उसको शोध में आपत्ति हो, जो सहमत नहीं हो, तो वो अपना विरोध दर्ज कराए कमेंट के द्वारा या जैसे उचित समझे। मैंने पहले बताया था कि अर्जेंटीना के अर्थशास्त्री ने कहा था कि लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन और एशियन जो कंट्री हैं वो प्राकृतिक संपदा और धन धान्य से भरे हुए हैं, परंतु तो गरीबी से भरे हुए और प्रशासन की गुंडागर्दी से भरे हुए। ये सोच था उनका कि एक सर्किल बना हुआ है, यहाँ से उपजा धन वहाँ पहुँच जाता है, यानी विकसित देशों के मामले में कहा था उसने कि भारत और पाकिस्तान, मिश्र, एशियन कंट्रीज जो हैं, भारत तो बहुत बड़े विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, पाकिस्तान भी इंग्लैंड और फ्रांस दोनों संयुक्त रूप से जॉइंटली कहीं ज़्यादा बड़ा और रिच नेचुरल रिसोर्सेज वाला, हम तो उससे भी बहुत काफ़ी आगे चले गए थे। सोना तो राफेल लेकर आते फ्रांस और आभार व्यक्त करते बार बार सभी अफ्रीकन एशियन देश। कम्युनिटी सिक्योरिटी यानी जैसे जापान की सिक्योरिटी का जिम्मा लेता है, नाटो देशों में लेता है, ऐसे देशों को समूह बना लेना चाहिए। कहते हैं शासक बनने के लिए संगठन चाहिए, आज विश्व शासक बनने का दौर भी आ गया। जो भारतीय राजनीति को कहूँगा, भारतीय राजनेताओं से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये गुट निरपेक्ष, ये बेवकूफ़ और बकवास शब्द हैं, सामने दुश्मन खड़ा है। कल भी कहा था कि जापान ने अमेरिकन सेना को कहा है ट्रूप्स को कि वहाँ ये बनी रहें, क्योंकि उत्तरी कोरिया और चीन जापान जैसी मजबूत इकोनॉमी जो हमसे भी दुगुनी बड़ी इकोनॉमी मानी जा रही है, वास्तविक में एक्सपेक्टेड की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो देश भी खतरा मंडराता उसे देख रहा है, उस देश को भी तो एक साझा सुरक्षा, साझा सेना बनाई जाए। यानी छोटे छोटे जो देश हैं वो बेकार में उनकी इकोनॉमी हैगा। बांग्लादेश है जिसका क्षेत्रफल आपको बड़े हास्यास्पद लगेगा, राजस्थान के क्षेत्रफल ज्यादा देश कम, बहुत छोटे छोटे देश हैं। ऐसे ही नेपाल भी ऐसा है, मालदीव एक छोटा टापू है, श्रीलंका ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 करोड़ से कुछ आबादी वाला देश है, जहाँ तमिल संघर्ष में 1 लाख लोग मर गए थे। तो एक ग्रुप सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया जाए, सरकारें ध्यान दें इस बात पर कि मजबूत बनने का मतलब है कि बड़े जो देश हैं वो छोटे छोटे जो देश हैं, 200 नाम जो निकाल रखे हैं, इनको सुरक्षा ढांचा प्रदान करें और उनसे इनकी सेना भी मजबूत होंगी और उनके पास कुछ पैसा बच पाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए। बहुत छोटे छोटे देश हैं, कोई 30 लाख का, कोई 20 लाख का, कोई 50 लाख आबादी का, हमारे ज़िले भी कई इतने बड़े क्षेत्रफल और आबादी वाले। तो उन देशों से ही पुरजोर प्रार्थना करूँगा कि इससे एक अच्छा ढांचा विकसित होगा विश्व में कि 3-4 ही राष्ट्रों के पास बड़ी सेनाएं बच जाएं, वो जल्दी टकराएंगे अपनी, वो दिखाएंगे सिर्फ उनको कि भाई बदमाशी गिर मेरे पास भी है, ऐसे होगा तो मेरे पास भी। तो एक साझा सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर जोर दें राष्ट्र, ये काफ़ी लाभप्रद होगा। इतनी समझ विकसित करें, अमेरिका ने कुछ समय पहले नाटो के नाम से किया था, भारत भी छोटे देशों से इस तरह का सहयोग और समर्थन ले कि आपको सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, यदि आप पर हमला करता तो हमला इस पूरे संगठन माना जाएगा, यानी उसकी रक्षा हम करेंगे, यदि कोई भी हमलावर जो होगा उसका प्रतिवाद हमारी सेना है कि करेंगे। तो ये सिर्फ शांति मिशन के रूप में नहीं, क्योंकि अकेली शांति करने से काम चला नहीं। अगर विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ शांति ढांचा खड़ा कर दे, उसी पर मैं जा रहा हूँ कि पहले ग्रुपिंग सिस्टम है, उसके बाद में उसका विलोपन की बात आएगी। आजकल मीडिएशन तभी होता है जब दोनों शक्तियाँ बराबर उलझें, दोनों को खतरा सताने लग जाए, जब तक एक को खतरा सताता मीडिएशन होता ही नहीं। हालांकि मीडिएशन कंसेप्ट के व्यक्ति हैं, परंतु मीडिएशन तभी होगा जब ये लगेगा कि भारत की और रूस की, अमेरिका और चीन की जो सेना है बराबर शक्ति में खड़ी, तब मीडिएशन होगा।
तब हथियार बेचेंगे किसको, हथियारों का जखीरा जखीरा इकट्ठा हुआ तब लोग मानेंगे कि हाँ मौत के मुंह से निकलना है और शांति की स्थापना कर ली जाए, तो इससे गरीब और गुंडागर्दी से मुक्ति मिलेगी छोटे देशों को। विश्व समुदाय विश्व कल्याण की बात कहने से काम नहीं चलेगा, रास्ता दिखाना है। तो सभी कम्युनिटी सुरक्षा जो है साझा सुरक्षा ग्रुप सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको विकसित करने पर जोर दें, इससे देशों में भाईचारा बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो उनके विकास के लिए काम करें इसमें कोई दोराय नहीं है, तकनीकी रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में कार्य किया जाए, परंतु जो मुख्य मांग है आवश्यकता है वो उदासीनता और न्यूट्रलिटी की तो चल ही नहीं सकती आजकल। यदि कहीं राष्ट्र महासभा में भी जो प्रस्ताव आता तो गुटियता स्पष्ट झलकती है, गुट लोगों के साथ हैं, दिखावा सभी करते हैं, परंतु तो कहते हैं अच्छा मतदाता वो है जो स्पष्ट नजर आए कि मेरी विचारधारा ये है, दब्बू प्रवृत्ति से नहीं, जो सामने कह दे। यदि ईरान की परमाणु नीति की हमें आलोचना करनी तो हम साफ कह दें, चीन की श्रीलंका की तमिल नीति की आलोचना करनी है या चीन की तिब्बत नीति, जैसे चीन की तिब्बत नीति के मामले में भारत खुलकर खड़ा है, इस तरह में एक मजबूत विदेश और सामरिक नीति की रचना करनी होगी। आगे बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता है। धन्यवाद।